काउंटिंग 21 to 30। ये देखिए, ये आपको टी दिख रहा है ना एक ब्लॉक में, और ये सेकंड ब्लॉक में क्या दिख रहा है, ओ। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टू कहाँ, टू वन लिखा हुआ है, टू वन हम कहाँ लिखेंगे, ये टी लिखा है, टी के नीचे लिखेंगे हम टू लाइन से टच कर कर, और ओ के नीचे लिखेंगे हम वन। यहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ये क्या लिखा है, 21 सेकेंड में हम लिखेंगे 2 2, यहाँ पे लिखेंगे हम 2, फिर 1 के नीचे लिखेंगे 2, क्या हो जाएगा 2 2 22। फिर थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे 2 3 2 3 23। अब हम लिखेंगे 2 3 के बाद 2 4। ये देखिए, ये सारी डिजिट जो मैं लिख रही हूँ वो कैसे लिख रही हूँ, नीचे वाली लाइन से टच करके, ये आपको टच करके लिखना है। 2 4 के बाद क्या आएगा, 2 5 25। अब लिखेंगे 2 6 26। और 6 जो बनता है ना, कई बच्चों ने ऐसे बनाया है, आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको यहाँ से थोड़ा सा राउंड करके फिर 6 बनाना है। अब लिखेंगे हम 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, और सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 3 0 30। यहाँ लिखेंगे 2 के नीचे 3 और 9 के नीचे लिखेंगे 0, क्या जाएगा 3 0 30। रिपीट वंस अगेन, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30। और ये जो वर्क है ना, ये क्या है, हमारा क्लास वर्क। तो आप क्या डालेंगे, क्लास वर्क, और नेक्स्ट वीक पे डालेंगे होमवर्क। ये दिख रही है ना आपको, ये वाली नोटबुक जो यहाँ से स्कूल से मिली है आपको, उसमें आपको ये वर्क करना है। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लास वर्क, यहाँ पे क्लास वर्क डालेंगे। और ये लिखा हुआ है डेट, तो यहाँ पे डेट भी डालेंगे, ये कब का वर्क है, 2020 का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना काउंटिंग 21 to 30, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको देख देख के आपको इसमें बनाना है, ठीक है। और ये ना कुछ बच्चों ने पिछले बार क्या किया था, 1 to 20 में एक ही लाइन में लिख दिया था, 1 1 11 की लाइन, आपको टी के नीचे 2 और ओ के नीचे 1 यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये पूरा आपका क्लास वर्क हो जाएगा, और नेक्स्ट पेज पर ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क में सेम एज लिखा हुआ है, फिर से आपको ऐसे ही रिपीट करना है, और यहाँ पे होमवर्क डालना है, और डेट मेंशन करना है। थैंक यू।